हेलो बच्चों, आज हम करेंगे अपने वीडियो में लेसन 12 बस के नीचे बाघ की रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आपको क्या करना है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपका कोई सजेशन है तो प्लीज आप वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो शुरू करते हैं। क्या समझे? सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। यह व्यक्ति कौन था? तो वो आदमी कौन था, हमने पढ़ा है ना बस के नीचे बाग में। और सामने की सीट पर बस में, किसी भी बस में सामने की सीट पर कौन बैठता है? यस, ड्राइवर। तो आंसर क्या होगा? ड्राइवर। बस में कितने दरवाजे थे? तो बस में एक तो आगे में था, एक ड्राइवर के सामने दरवाजा था और एक पीछे में था, तो टोटल कितने हुए? तीन। तो हम उत्तर लिखेंगे तीन। वो क्या है? उत्तर का शॉर्ट फॉर्म है। ओके, आगे क्या हुआ होगा, कहानी सुनाओ। तो जहां तक भी आपने स्टोरी सुनी है, पढ़ी है किताब में, उसके आगे आपको खुद से स्टोरी बनानी है, कहानी बनानी है। तो मैंने क्या बनाई है स्टोरी, देखिए। थोड़ी देर बाद बाघ का बच्चा चुपके से धीरे धीरे जंगल के अंदर चला गया। सभी लोग बस में डरते हुए चढ़े। बस के ड्राइवर ने बस चलाने शुरू की और सभी लोग सही सलामत शहर पहुंच गए। सही सलामत मतलब ठीक ठाक, ओके, अच्छे से शहर पहुंच गए। तो इस तरह मैंने कहानी स्टोरी को एंड किया है। अगर आपको कुछ और लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो। ओके, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डर निडर, आप लोग भी मेरे साथ पढ़ोगे। बस में बैठे लोग बाघ के बच्चे से डर रहे थे, बाघ भी उन लोगों से डर रहा था। सोचो इन्हें कैसा लगता होगा जब कोई इनसे डर जाता है। तो छिपकली, छिपकली मीन्स लिजर्ड, जब आप छिपकली से डरते हो तो छिपकली को कैसा लगता होगा? तो छिपकली खुश हो जाती होगी, है ना, कि ये मुझसे डर रहा है। देन है कुत्ता, कुत्ता को क्या लगता होगा, उसे और डराने का मन करता होगा। आपने देखा होगा जब आप कुत्ते से डरते हो वो आपको और भी डराता है, इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है चूहा, चूहा उसे हंसी आती होगी क्योंकि वो तो छोटा सा है और आप इतने बड़े हो, फिर भी अगर आप उससे डरते होगे तो चूहा मन ही मन हंसता होगा। सांप, सांप मीन्स स्नेक, सांप को कैसा लगता होगा, उसे खुद पर गर्व होता होगा, वो प्राउड फील करता होगा कि अरे मैंने तो इन्हें डरा दिया। ओके, नेक्स्ट क्या है? बाघ डरकर बस के नीचे दुबक गया, मींस दुबकना मींस छिप जाना, डरकर छिपना। तुम डर लगने पर क्या करते हो, कहाँ दुबकते हो? मैं डर लगने पर मम्मी या पापा के पास चली जाती हूँ, मैं मम्मी पापा के पीछे छिप जाती हूँ। तो जब मुझे तो डर लगता था जब मैं छोटी थी, तो मैं अपने मम्मी पापा के पास चली जाती थी और उनके पीछे जाकर छुप जाती थी क्योंकि मुझे लगता था इससे ज्यादा सेफ तो कोई जगह नहीं हो सकती। आप कहाँ छिपते हो, आप जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में। बाघ से सब डरते हैं पर इस कहानी में लोग बाघ के बच्चे से भी डर गए, ऐसा क्यों हुआ? तो उत्तर क्या होगा, बाघ का बच्चा भी एक जंगली जानवर है जो खतरनाक होता है। तो है तो वो भी जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल, तो और वो भी डेंजरस होता है, तो हम उससे भी डरते हैं। नेक्स्ट है अनोखी दीवार, बस के सामने वाली दीवार अलग तरह की थी, उसके आर पार देखा जा सकता था, वह दीवार क्या थी? तो आपने कभी ध्यान दिया है बस के सामने जो दीवार लगी होती है, बनी होती है, वो क्या की होती है? वो होती है बस के सामने शीशे की दीवार थी जिससे ड्राइवर या उसमें बैठे लोग आर पार देख सकते हैं। किन किन चीजों के आर पार देखा जा सकता है? तो आंसर है शीशा, पानी। किन किन चीजों के आर पार नहीं देखा जा सकता? लकड़ी, किताब, दीवार, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है तो हम इनके आर पार नहीं देख सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शब्दों का खेल, आओ शब्दों की अंताक्षरी खेलें। अंताक्षरी की शुरुआत हम कर देते हैं, उसे आगे बढ़ाओ।
तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं और आपको इसे आगे कंटिन्यू करना है लास्ट लेटर को लेके। ओके, तो सबसे पहले क्या है, बाघ। बाघ मीन्स टाइगर। तो लास्ट अक्षर कौन सा आ रहा है लेटर, घ। तो घ से बना है घर, घर मीन्स हाउस। देन र, र से रुमाल, हैंकरचीफ। लास्ट लेटर यहाँ है ल, तो ल से लेकिन, बट। लेकिन के बाद लास्ट लेटर कौन सा आता है, लास्ट अक्षर न। तो न से हम क्या बनाएंगे, नटखट। नटखट मीन्स नॉटी, और ये फोर लेटर वर्ड्स है। और नटखट का लास्ट लेटर कौन सा है, ट। ट से मैंने बनाया टमाटर, रेड रेड टमाटर। ओके, इस तरह आप इसे और भी आगे कंटिन्यू कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। कहानी से आगे, तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास कौन कौन से जानवर या पक्षी नजर आते हैं, पता करो। तो आप देखना आपके घर और स्कूल के आसपास कौन कौन से जानवर आपको दिखते हैं। मैंने यहाँ लिखा है कुत्ता, बिल्ली, चूहा, गाय और पक्षी। पक्षी मीन्स बर्ड। कौन कौन से बर्ड दिखते हैं आपको, कौवा, क्रो, कबूतर, पीजन, गौरैया, स्पैरो एंड मैना। ओके, अगेन आई रिपीट, जानवर हमें दिखते हैं कुत्ता, बिल्ली, चूहा, गाय और पक्षी कौवा, कबूतर, गौरैया और मैना। आइए हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कितने पहिए, पहिए मीन्स व्हील। कुछ गाड़ियों में दो पहिए होते हैं, कुछ में तीन और कुछ में चार। कक्षा, कक्षा मीन्स क्लास में बातचीत करो और नीचे सही खानों में गाड़ियों के नाम लिखो। तो आपको टू व्हीलर व्हीकल के नाम लिखने हैं, थ्री व्हीलर एंड फोर व्हीलर। ओके, टू व्हीलर को हम हिंदी में दो पहिए, थ्री व्हीलर को तीन पहिए और फोर व्हीलर को चार पहिए बोलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। साइकिल, इसमें कितने पहिए होते हैं, दो। स्कूटर एंड मोटरसाइकिल। अब आइए हम लिखते हैं तीन पहिए, रिक्शा, ऑटो रिक्शा एंड टेम्पो। अब फोर व्हीलर कौन कौन से हैं, कार, बस, जीप। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, आप वो भी लिख सकते हो। तो इस तरह हमने लेसन 12 भी कंप्लीट किया, उसके सारे क्वेश्चन आंसर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं टू पार्ट में। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। बाय बाय।